नगर के समीप ग्राम अमलावदिया में भाजपा मंडल महामंत्री लाल सिंह आंजना की भाभी सीताबाई पति भूरालाल आंजना की पीएम रिपोर्ट डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दी है। रिपोर्ट में हत्या में किसी शार्प हथियार के इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई है। फॉरेंसिक्स जांच में भी यह बात सामने आई है कि वार के दौरान मृतका की हड्डी डैमेज नहीं हुई, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि हत्या में किसी शार्प हथियार का इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे छोटी कुल्हाड़ी, चाकू आदि। मगर यह भी तय है कि हत्या किसी किसानी हथियार से ही हुई है। हालांकि पुलिस हत्या को हर पहलू से जोड़कर देख रही है। थाना प्रभारी आईपीएस रजत सकलेचा ने बताया, अब तक परिवार के 50 से ज्यादा सदस्यों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इससे पहले शनिवार को गांव पहुंचे एसपी सचिन अतुलकर ने मृतका के छोटे बेटे संजू से बात कर माँ की दिनचर्या और वारदात के बारे में जानकारी ली थी। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टावर लोकेशन की भी मदद ली है, मगर यहां से भी सफलता नहीं मिली क्योंकि गांव के सारे मोबाइल नागदा में लगे टावर से ऑपरेट होते हैं। ऐसे में हत्या करने जब हत्यारा खेत पहुंचा होगा तो उसका मोबाइल भी नागदा के टावर से ही ऑपरेट हुआ होगा। ऐसे में इतने मोबाइल में हत्यारे की लोकेशन निकालना भी मुश्किल है। बता दें कि 26 जनवरी को घटना स्थल पर पुलिस ने डॉग भी घुमाया था। पुलिस का डॉग लसुड़िया जय सिंह की ओर गया, मगर हवा चलने से हत्यारे की गन नहीं सूंघ सका। डॉग ने खेत पर मौजूद कुल्हाड़ी, दराता और फरसा भी सूंघा, जिसकी मौके पर एफएसएल अधिकारी डॉक्टर प्रतीक गायकवाड़ ने भी जांच भी की। उसी समय तो कुछ नहीं मिला, मगर डॉक्टर गायकवाड़ के अनुसार अभी भी हत्यारे की जांच बारीकी से की जा रही है। सोमवार शाम 7 बजे सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय मृतकों के परिजनों से मिलने अमलावदिया पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से घटना की जानकारी लेकर हत्यारों को शीघ्र पकड़ने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है।